hello everyone welcome back to my channel today my topic is mri orbit planning and sequences this is outline of my presentation first one is definition second one is sequence third is localizer fourth is planning fifth is images and another one is positioning of mri orbit in mri let's begin एम आई ऑर्बिट एक्चुअल में एम ऑर्बिट करने से पहले आपको बताना चाहिए ऑर्बिट क्या होता है तो एक एक ऑर्बिटल कैविटी होती है ब्रेन में जिसके अंदर बोथ आई बॉल्स आर प्लेस्ड जिसके अंदर दोनों आई बॉल्स प्लेस्ड होते हैं उसको हम एम उसका हम एम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एम आर ऑर्बिट ये बेसिकली एक ब्रेन की तरह ही होता है बट इसमें दो अलग से सिक्वेंस ऐड हो जाते हैं जिसमें हम ऑब्लिक करते हैं लेफ़्ट ऑब्लिक और राइट ऑब्लिक है ना तो जो ऑर्बिट होता है और ऑर्बिटल कैविटी होता है वो सेवन बोन से कवर अप होता है सेवन बोन कहते हैं जैसे स्मॉल पार्ट ऑफ पैलेटाइन होता है फ्रंटल होता है इथेमोइड होता है स्फोनोइड होता है ये सारे सारे बोन मिल के एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर एक पिरामिड फिट हो जाए वैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं उसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या होगा हमारा यूजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ़ द ऑर्गन एंड टिशू विथ इन योर बॉडी विथआउट द यूज ऑफ आयोनाजिंग रेडिएशन इसका मतलब ये है किसी भी प्रकार का आयोनाजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है हमारा आई में मतलब हम इसमें एक्सरे गर रे, एल्फ़ाबेटा का यूज नहीं करते इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते, यूज करते हैं हाईली मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं कपल विथ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव हम एडिशनल इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव देते हैं फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन निकल आई ये एक्साइटेशन क्या होता है रिलैक्सीशन क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में रेडियो हम आर आई फिजिक्स अपलोड करूँगा उसमें समझ में आ जाएगा अब इसके बाद क्या होता है द ऑर्बिट द ऑर्बिट एम आर आई सिमिलर टू द ब्रेन एम आर आई विद एडिशनल इमेज स्पेसिफिक टू द आई इसमें मतलब हमारे ब्रेन के जैसा होता है बट इसमें हम स्पेसिफिक दोनों ऑर्बिटल कैविटीज़ को लेते हैं इसलिए हम इसे एम आर आई ऑर्बिट एम आर आई ऑर्बिट कहते हैं ठीक है सिक्वेंसेज कौन कौन से होते हैं इसमें पहले हम लोकलाइजर लेते हैं थ्री प्लेन मैंने पहले ही बताया था पहले सेज कोर एक्सियल तीनों का लोकलाइजर आता है हमारे पास इसकी पोजिशनिंग क्या होती है इसकी पोजीशनिंग हम ग्लाबेला पे करते हैं वो नेक्स्ट डिमेज पे दिया हुआ है ये सारे सिक्वेंसेज हैं टी टू एक्ल टी टू कोर टी वन कोर टी टू ऑब्लिक मैंने बताया था इसमें दो स्पेशल सिक्वेंस uh, होते हैं दोनों ऑर्बिट्स को काटने के लिए टी टू ऑब्लिक और राइट uh, right और टी टू ऑब्लिक लेफ्ट ऑब्लिक का मतलब क्या होता है ऑब्लिक क्या होता है कि सेंट्रल रे पासिस थ्रो द बॉडी एलोंग और पैरेलल टू मीडियन सजाइटल प्लेन मतलब एम को तो पैरेलल काटेगा एट सम एंगल बिटवीन कोरोनल एंड सजाइटल प्लेन कोरोनल प्लेन और सजाइटल के प्लन के बीच में कुछ एंगल होगा उस एंगल से पार होगा मतलब जीरो टू नाइन्टी डिग्री के बीच में जिस एंगल से वो पार होगा हम उसको कहते हैं ऑब्लिक अगर वो जीरो डिग्री है तो वो कोर होगा या नाइन्टी डिग्री है तो सेज होगा मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इन दोनों के बीच में जो भी प्लेन काटेगा उसको हम ऑब्लिक ऑब्लिक कहते हैं है ना ये पोजिशनिंग हो गई इसकी इसकी पोजिशनिंग कहाँ पर करते हैं हेड फर्स्ट सुपाइन सेंटर करते हैं ग्लाबेला पे इसके बाद पेशेंट को इन कर देते हैं इसके बाद इसके लोकलाइजर की थ्री प्लेन आती है ये लोकलाइजर की थ्री, थ्री प्लेन्स हैं इस इन प्लेन के ऊपर ही इन प्लेन के ऊपर ही इस प्लेन के ऊपर ही हम प्लानिंग करते हैं प्लानिंग कैसे करते हैं जैसे अपन को अब इसमें हमको टी वन एक्जीएल चाहिए तो हम इस एक्सएल प्लेन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसके ऊपर जो फोबिया ये रहेगा इसको सेंटर में करके छोड़ देंगे बाकी जो दोनों प्लेन है इसको हम इसमें हम प्लानिंग करेंगे इसमें हम प्लानिंग करेंगे कैसे है ना ये ऊपर का जो वर्टेक्स ये कवर होना चाहिए ये फोरम एन मैगनम या साइनस को पैरल कट करना चाहिए इसका सेंटर जो जो सेंटर एक लाइन आती है ऐसे ये ऐसी होनी चाहिए अब हम इसका जब कोर की प्लानिंग करेंगे तो कोर में ऐसा आना चाहिए एकदम ऐसा अब सेंटर इसका कैसे होना चाहिए सेंटर ऐसा पैरल जो विंटरगल होता है उसके बीच में इसका सेंटर होना चाहिए तो ये इस लोकलाइजर के ऊपर ही हम प्लानिंग करते हैं ठीक है ये मैं हटा देता हूँ मैं दिखाता हूँ आगे ये प्लानिंग है ये टी टू आ, का प्लानिंग है मैंने बताया था जिसकी हम प्लानिंग करते हैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते और आ, जिसकी प्लानिंग करनी होती है उसके ऊपर से फोगे को सेंटर करके छोड़ देते हैं उसके अलावा जो रेस्ट टू प्लेन्स हैं जैसे हम इसमें टी टू एक्सल की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम सेज और कोर के ऊपर प्लानिंग करेंगे उसकी प्लानिंग ये है प्लान दिस जिसमें डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है प्लान द एक्सरसाइज सेटल प्लेन एंगल द पोजिशन ब्लॉक पैरल टू तो जी नू एंड स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलसम कॉर्पस कैलिसम के नीचे से गुजरना चाहिए जो इसका कॉर्पस कैलसम का फ्रंट और एंड पार्ट है उसको टच होते हुए इसका मिड लाइन क्रॉस होना चाहिए एन एच एक्ट पेशेंट की कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर करना है पेशेंट मूव तो नहीं हो रहा है जब हमारा एक बार सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उस सीक्वेंस को रिव्यू करना है कि जो सारी इमेजेस सब सा वो सही आई है या नहीं आई है इसके बाद ये टी टू कोर की प्लानिंग है कोर की प्लानिंग कर रहे हैं हम तो कोर को नहीं छेड़ रहे कोर के ऊपर हमने फवी रख के छोड़ दिया हम प्लानिंग कर रहे हैं एग्जी और हॉजाइटल के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं ये ऑर्बिट्स की प्लानिंग है तो इसलिए हम इसको बेसिकली ऑर्बिट्स को कवर कर रहे हैं ये टी वन टर्बो स्पिनिको की प्लानिंग है ये टी टू टर्ट ये ऑब्लिक मैंने बताया था एक स्पेशल इसका सीक्वेंस होता है हमारा ये ऑर्बिट का तो ये उसका स्पेशल सीक्वेंस है ये ऑब्लिक राइट लिखे ना टी टू सजाइटल ऑब्लिक राइटर टी तो टू सेज का ये ऑब्लिक है तो ये राइट में क्या करेंगे ये राइट साइड से जो ये राइट आई का है इसलिए इसका राइट कहते हैं जब लेफ्ट आई क्या करेंगे ये लेफ्ट आई, लेफ लेफ आई का है तो हम इसको लेफ्ट बोलेंगे टी टू सेज ऑब्लिक लेफ्ट तो ये लेफ्ट आई का है तो लेफ्ट से मैंने बताया था ना ये अलॉन्ग और पैरल टू बॉडी एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि जो ये ऑब्लिक है हम इसको फ्रंट से बॉडी के साइड ही क्यों कर रहे हैं हम इसको आ, अवे फ्रॉम द बॉडी क्यों नहीं कर रहे हैं हम ऐसे भी तो काट सकते हैं इसको लेफ्ट में क्यों नहीं काट रहे हैं इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ये जो डेफिनेशन है किसकी ऑब्लिक की उसको ये फुलफिल नहीं करता तो, ऑब्लिक की डेफिनेशन ये यही होती है कि सेंट्रल रेप पासिस थ्रू द बॉडी पैरल और अलॉन्ग टू एम तो इसकी एम तो यहाँ पर है एम तो इसकी ये है, ये है ये इसकी एम एस पी ये मीडियम सेटल प्लेन तो जब तक ये इसको कट नहीं करेगा ऐसे ऐसे कट नहीं करेगा तो फिर ये कैसे ऑब्लिक हुआ जब तक इसको कट करेगा जब एम एस पी को कट करेगा तो ही ये ऑब्लिक हुआ इसलिए हम इसको इन साइड द बॉडी ले रहे हैं इसलिए ये इन साइड द ब्रेन करके हमेशा इसको इसका लेफ़्ट ऑब्लिक काट रहे हैं ये इसका सीन होता है ऑब्लिक के डेफिनेशन को अगर वो फुलफिल नहीं करेगा मतलब वो ऑब्लिक है ही नहीं इसलिए हम इसका इस तरह से इसलिए इसको एंगल दिया हुआ है ताकि ये एम एस पी को कट करे Thank you for listening me.